मिसाल भूल गए, जिसका नमक खाते उसकी थाली में छेद नहीं करते, और तुम लोगों ने मेरा नमक नहीं, मेरा आटा, मेरा दाल, मेरा चावल, मेरा जाले जगह खा लिया है और मेरे धंधे में छेद कर रहे हो। अरे लड़की, भगवान ने दो टांगे दी है, एक टांग पर क्यों उछल रही हो? क्या भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रही हो? मैं बगैर छुए, बगैर हाथ लगाए किसी की भी पप्पी ले सकता हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें हाथ लगाकर पप्पी ले ली। मिलावट राम नाम की तरह तुम्हारे कामों में भी मिलावट बढ़ती जा रही है। ये दूध यहाँ कैसे आया? हाँ, ये दूध का पाउडर तो अस्पतालों में फ्री दिया जाता है, तुम इसे बेच कैसे सकते हो? सरहद तोड़ के क्या मेरा बस चले ना, तुम्हारी खड़ी हुई सैंडी काट के तुम्हें काला पानी भेज दूं। गांव में बात फैलेगी, घर घर में कानाफूसी होगी, पंचायत बैठेगी, बहुत हंगामा होगा, तब जाकर कहीं हमारी शादी होगी। कहा है वो बदतमीज, आज मैं उसके हाथ पर तोड़ दूंगा। इस प्रेम के नाटक की वजह से मेरी इज्जत चोरी के माल की तरह नीलाम हो गई थी। उस खोई हुई इज्जत को दोबारा पाने के लिए अब लड़के वालों को चक्कर चलाना पड़ेगा, मेरे घर आकर मुझसे बात करनी पड़ेगी, तब जाकर बात के पतीले में नमक पड़ेगा। देखो रवि, दिल और आत्मा वो जायदाद है जो हमें हमारे पिता ने दी है, उसका बंटवारा ये दुनिया वाले नहीं कर सकते। आज के बाद यही मेरा घर है, इस घर के सुख दुख सभी मेरे, इस घर का दुश्मन मेरा दुश्मन, समझ गए? हम दोनों अलग अलग घर में पैदा होने के बावजूद एक घर में एक साथ सगी बहनों की तरह रहें, तभी तो ये घर घर रहेगा। उसके होश में आने से पहले हम हमारे बच्चे को उसके पास रख देंगे और कह देंगे कि यही तुम्हारा बच्चा है। वो देवी है और देवी का दूध तो एक तरफ, अगर वो मेरे बच्चे को जहर भी पिला दे तो वो उसके लिए अमृत बन जाएगा, समझी? जब इसके मन में ये विश्वास बैठ गया कि बच्चा यहाँ रहने से ठीक नहीं होगा, वो मर जाएगा, तो इसे ले जाना ही अच्छा है। अच्छी तरह से जानते हमारे खेत कौन से और वही पहचानेंगे। लेकिन बेटे, भगवान न करे कल अगर विजय भैया न रहे तो। मेरा भाई जिसे हमने अपनी औलाद की तरफ पाला है, बेटे की तरह चाह है, वही बेटा अपने बाप से पूछ रहा है, अपनी माँ से पूछ रहा है कि उसके खेत कहाँ से कहाँ तक। उस एहसान फरामोश को नहीं मालूम कि उसे हमने अपने बेटे की तरह समझा और जिसे वो अपना बेटा समझ रहा है वो दरअसल हमारा बेटा है। मुझे ये घर, ये जमीन, ये जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे बच्चे की जान ले लोगे और इसकी जान के बदले तुम चाहते हो कि मैं उस स्वर्ग से सुंदर घर को उजाड़ दूं? मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी।